मेरा 50 साल का राजनीति का कहो या पब्लिक लाइफ का कहो, 50 साल का मेरा खुद का अपना अनुभव है। काफ़ी चीज़ों को मैं देख चुका हूँ, कहीं उठते गिरते, कहीं वेव्स, कहीं आंदोलन, सभी मैं देख चुका हूँ। इस बार किसानों का जो पीड़ा इस देश में है, इसको मैंने अपने सर पे ले लिया है। इसलिए ये किसानों का जो भी लड़ाई है, एक न्याय का, इंसाफ का ये जंग है, कोई अन्याय वाला जंग नहीं है। मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, असंभव कोई चीज़ होता ही नहीं है। ज़रूर हर चीज़ संभव है, अगर हम ताकतवर हो, हमारे सोच में, हमारे बुद्धि में, हमारे विचार में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में अगर ईमानदारी हो, कन्विक्शन हो, ज़रूर हम जीत जाएंगे। कुछ समय की बात है, कुछ ही समय की बात है। हमारे बीबी पाटिल जी भी है, माफ करना मैं भूल गया, एमपी साहब है हमारे, वो नांदेड़ के दामाद है, उनके ससुराल नांदेड़ से है, आपके दामाद है। तो हमारे बीबी पाटिल जी भी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और असंभव का कोई नाम नहीं है। मैं बैठ के आपकी कुर्सियाँ ये दीवार हटा के आगे आ जाते हैं, हम लोग इंटरैक्शन सेशन करते हैं। भाषण तो कहीं सुने हैं, सोचने वाली एक बात है। हर समस्या का एक समाधान होता ही है, हर ताला का जैसा चाबी होता है, हर समस्या का जरूर समाधान होता है। उस समाधान को कितना जल्द हम ढूंढ पाए, उसी में हमारा होशियारी का इसमें टेस्ट है, परीक्षा है। तो जहां जो भी समाज समस्याओं का समाधान जल्दी ढूंढ पाए, जल्दी ढूंढ सके, वहां बहुत जोरदार विकास, अच्छा क्रांति देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि किसानों का समस्या पे किसी ने नहीं लड़ा। मैंने लोहा में यही बात कही थी, उस समय सर चोटूराम से लेके ब्रिटिश जमाने से 1935 से पंजाब के जो लाडला थे सर चोटूराम, सबसे पहला नेता थे जो किसानों के लिए आवाज उठाई इस देश में। उनके साथ महेंद्र सिंह तिकाई जी, महाराष्ट्र में शरद जोशी जी, बेंगलुरु में, कर्नाटक में प्रोफेसर नंजुंड स्वामी जी, तमिलनाडु से नारायण स्वामी जी, और पंजाब राज्य से हमारे राजोवाल जी, हरियाणा राज्य से हमारे गुरनाम सिंह चिड़ोली जी, और कई अन्य नेता, कई अन्य दल, अन्य नेता किसानों के लिए लड़े। ये नहीं है कि किसी ने प्रयास किया ही नहीं, किया जरूर किया कुछ लोगों ने, चौधरी चरण सिंह ने कुछ प्रयास किया, देवीलाल जी ने कुछ प्रयास किया, कहीं कहीं कुछ कुछ हुआ, छोटा मोटा थोड़ा बड़ा कुछ हुआ। लेकिन यहां समझने की एक बात है, दो तीन चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि आज आप रुक जाए, आज रुक जाए, कल बसेस का मैं इंतजाम करता हूं, आराम से पूरा तेलंगाना राज्य में क्या क्या हुआ है अच्छा देख के आ जाए। सीइंग इज बिलीविंग है ना, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा एक दिन का, लेकिन फिर कल शाम तक आराम से देख के आ जाइए। आज हो सके तो आज शाम ही निकलते हैं, बीच में कहीं जाके मैं मंत्री जी से कहता हूँ, वो आपका प्रबंध करेंगे अच्छा सा, जाके वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट देखिए क्या क्या चीज़ किस प्रकार से बना। आप अपने आंखों से देखेंगे तो कहने की जगह और जोर से और ताकत से कहोगे। ये मेरा आमंत्रण है, तो आपने ताली बजाया तो मैं समझता हूँ आपने स्वीकार किया। तो एक बात यह है, ऐसा नहीं है कि लोग ने किसी ने नहीं लड़ा, लड़ा, अभी भी लड़ रहे हैं। हाल ही में अभी हमारे आंखों के सामने वर्तमान में 13 महीने सारे हिंदुस्तान के किसान, अगर सारे ही किसान हैं, उनके प्रतिनिधि दिल्ली में बैठे थे,
कहीं अन्य जगह नहीं, देश के राजधानी में। वो भी कितना समय के लिए, 13 महीने के लिए बैठे थे। उनको क्या क्या नहीं कहा सरकार ने, नक्सलेट भी कहा, खालिस्तानी भी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या आरोप। फिर भी वहां धूप में, चाव में, बारिश में, जाड़ा में, ठंडा में लोग अटल बैठे रहे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री माफी मांग लिया, कानून वापस ले लिया। लेकिन उससे हम खुश हो गए, सब तुतल पुतल हो गए, जिधर के उधर निकल गए, हट गए। अब 13 महीने इतनी कड़ी आंदोलन करने के बाद और आंदोलन के दरमियान 750 किसान शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, कम से कम सहानुभूति का, सिंपति का एक शब्द नहीं निकला। कुछ इनके घर के परिवारों के लिए कुछ मदद नहीं मिली और कोई समस्या हल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश पंजाब में अगर चुनाव नहीं आता, कानून वापस नहीं लेते, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, यानी कि जब भी हम उठते हैं लड़ते हैं, जैसे अंगार पे चीटे पानी के चीटे डालते, उस प्रकार का हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो अब समझने की टाइम आ गया है। ऐसे ही स्थिति, मैं एक बात बताता हूं आपको, ऐसे ही स्थिति यहां तेलंगाना राज्य का था, इससे भी बुरा, महाराष्ट्र से कई गुना बुरा हाल था तेलंगाना में। हर दिन 4 लोग मरना, 5 लोग मरना, सिर्फ किसान नहीं, बुनकर, 7-7 लोग, 6-6 लोग हमारे सिरसिला शहर में, पुचमपल्ली शहर में, दुब्बाक में, कई कई जगह। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार हमको मिलता था कि भाई खबर, आज 6 किसान मरे, 5 किसान मरे, आंखों में आंसू आते थे, रोते थे। और तेलंगाना आंदोलन के दरमियान भी मैंने रो पड़ा, कई जगह रोया मैंने इमोशनल होकर के। ऐसी स्थिति थी जब पूर्ण तरीके से, पूर्ण कमिटमेंट से हमने राज हासिल कर लिया, तो सारे समस्या समाधान मिल गया, रास्ता तो मिल गया, कम से कम एक राहत तो मिली। अभी चल रहे काम, चल रहे अभी बाकी है, काम चल पड़ा है। आज किसानों का आत्महत्या ऑलमोस्ट 0 हो गया है। सारे किसान जो पलायन थे, अन्य राज्यों में गए थे अपने पेट साथ हाथ में लेके, वो सारे के सारे वापस आए। और आज एक बात मैं कहता हूं, फखर से भी कहता हूं, आज पूरे हिंदुस्तान के हिसाब, इस केंद्र सरकार का हिसाब है, मेरा नहीं है आंकड़ा, मेरा नहीं है, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये रिपोर्ट है। आज पूरे भारत में, पूरे भारत देश में 94 लाख एकर्स में धान है, पैडी है, 94 लाख, जिसमें से 56 लाख एकर सिर्फ तेलंगाना में है, यानी कि जितना तेलंगाना में है उसमें आधा भी पूरे भारत में नहीं है। आज इसी टाइम, कल जाते जाते आप रास्ते में देखोगे, आज मार्च के अंत में, अप्रैल 1 आज के दिन है, आज नदियों में पानी देखोगे आप। मैं इसीलिए मैं आपको भेजना चाह रहा हूं, हरीश राव जी से मेरा निवेदन है, आप कुड़वेली वागु, हल्दी वागु इनको जरूर बता दे, नंगनूर पदवागु बता दे, अप्रैल महीने में नदियां कैसे बह रहे हैं तेलंगाना में, यहां हिमालय तो नहीं है, नहीं है ना, लेकिन हिमालय से ऊंचा संकल्प है, वो संकल्प है, वो आज नदियों में पानी बहा रहा है। ये काम संभव है, हर जगह बिल्कुल संभव है। 2-3 शब्द और बताऊंगा फिर मैं बैठ जाता हूं, फिर आप नजदीक आ जाए तो कोई बात कर लेते हैं। देश में किसी चीज की कमी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं था सिंगापुर में, सिंगापुर का हाल क्या है आज हमारा हाल क्या है, सिंगापुर का अर्थव्यवस्था क्या है हमारा अर्थव्यवस्था क्या है, शर्म से सर झुक जाता है। यहां तक कि मिट्टी भी नहीं है उनके पास,
उनकी पूरी पेरीमीटर यानी कि वो क्या बोलते पेरीमीटर को सराउंडिंग उसका पूरा जमीन का धरती का पूरा नाप लिए तो 193 किलोमीटर है। उसका समंदर का तट भी 193 किलोमीटर है जबकि भारत का तट है 8000 किलोमीटर। किसानों का ही नहीं अन्य हालत भी ठीक नहीं है देश में। इंटरनेशनल ट्रक का स्पीड क्या है, इंडिया का ट्रक का स्पीड क्या है? इंटरनेशनल ट्रक चलता है 85 किलोमीटर से 115 किलोमीटर तक पर घंटा, हमारा ट्रक चलता है 35 से 45 एक घंटा। अब दुनिया से हिंदुस्तान कब मुकाबला कर पाएगा, कैसा कर पाएगा? इंटरनेशनल मालगाड़ी का स्पीड क्या है, जो मालगाड़ी हम कहते हैं गुड्स ट्रेन, इंडियन गुड्स ट्रेन का क्या स्पीड है? बड़ा शर्म की बात है, उनका 150 किलोमीटर चल रहा है, 125 किलोमीटर चल रहा है, तो हम 55-60 किलोमीटर पे हैं। कब मुकाबला करेंगे? 193 किलोमीटर पेरीमीटर रहने वाला सिंगापुर 5.5 करोड़ कंटेनर प्रति समय प्रति वर्ष हैंडल करता है, 8000 किलोमीटर तट लगने वाला हिंदुस्तान सिर्फ 35 लाख कंटेनर डील करता है। हिंदुस्तान के कहीं भी एयरपोर्ट में जाओ आधा घंटा कम से कम हवा में तैरना पड़ता है, उतरने को जहाज उतरने को जगह नहीं मिलती। फिर किसका तरक्की हुआ भाई? परसों में नांदेड़ आया था लोहा जाने के लिए, वहाँ अधिकारी ने बताया साहब आपको 5:30 निकलना होगा। मैं बोला क्या बात है, इसका दर्जा कम किया गया है, डे नाइट एयरपोर्ट था, अभी सिर्फ डे में चलता, नाइट में नहीं चलेगा। तो इससे समझ लो कि हिंदुस्तान आगे चल रहा है कि पीछे जा रहा है। किसानों का ही नहीं बल्कि अनेक अन्य चीज भी है जिसको जरूर सुधारना है, और इसको सुधारने का शक्ति सिर्फ किसान के पास ही है। किसान का एक ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका मैं चाहता हूं, अपने हालात को अपने स्थिति को बदलने के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे प्रयास करेंगे, साथ ही साथ देश का भी हालात करने का हम प्रयास करना पड़ेगा हमको, ये हमारे फर्ज बनता है। तभी जाके हमारे खेती किसानी बहुत जबरदस्त, यानी कि एक छोटी सी चीज खेती किसानी का जो मामला है, कोई भी अगर एक कृषि मंत्री इस देश का एक भी या कोई भी प्रधानमंत्री, अभी 14वां प्रधानमंत्री है मेरे ख्याल से, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज 14th प्राइम मिनिस्टर, एक को भी अगर इतना भी बुद्धि होता ज्ञान होता